आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रशांत। आज सुबह की रिपोर्ट में 2019 से 22 सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बड़ा झटका लगने वाला है ये खबर देख करके, क्योंकि उनके जो स्नातक की जो पार्ट वन की परीक्षा होने वाली है उनका परीक्षा अब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ लिया जाएगा। एक हफ्ते में रिजल्ट देने की जो है बात कही जा रही है। और परीक्षा बोर्ड की, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल बैठक हुई थी, इसमें ये निर्णय सामने निकल करके आया कि आप सभी की जितने भी परीक्षाएं ली जाएंगी, मतलब ऑनर्स की पेपर साथ ही साथ सब्सिडरी की पेपर जो ली जाएगी, वो दोनों ही परीक्षा जो है आप सभी की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ही ली जाएगी। तो अब आप लोगों को तैयारी फिर से नए सिरे से करना होगा। और ये कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र जो पीछे हो रहा था इसको देखते हुए जो है पैटर्न में बदलाव किया गया है। हालांकि पिछले साल भी परीक्षा बोर्ड की बैठक हुई थी और इसके ऊपर निर्णय हुई थी, जिसमें कि कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछ करके सब्जेक्टिव ही पेपर लिया जाएगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार जो परीक्षा नियंत्रक आए हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, उन्होंने इस बार सुझाव दिया कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकते हैं और जल्द से जल्द जो है परीक्षा करा लेंगे। साथ ही साथ जो है समय भी परीक्षा का कम कर दिया जाएगा। पहले आप सभी की 3 घंटे की परीक्षाएं होती थी, अब आपकी 1.5 घंटे की परीक्षाएं होंगी। उसमें ऑब्जेक्टिव सवालों के आपको जवाब देने होंगे, पूछे जाएंगे 75 प्रश्न, जिसमें से आपको जो है 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। हर प्रश्न जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे और आपको जो है प्रैक्टिकल पेपर अगर आपका लिया जाता है तो आपको 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी आपका जो है 75 ही क्वेश्चन होगा। मतलब इस बार जो है प्रैक्टिकल की भी परीक्षाएं ली जा रही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि प्रैक्टिकल की परीक्षाएं नहीं होंगी, तो मैंने आपको पहले दिन ही आगाह किया था कि अगर नए परीक्षा नियंत्रक आयुक्त हो गए हैं तो आपकी जो है परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो सकती है और नए नए नियम देखने को आपको मिलेंगे। तो ये नियम आपको जो है देखने को मिल रहे हैं कि पैटर्न में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया है। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिया जाएगा। आपका 2 ऑनर्स पेपर है पार्ट वन में और 2 सब्सिडरी पेपर है, तो उन सभी परीक्षा को जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ही लिया जाएगा। और आप लोगों को जो है तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। इसके लिए सैंपल पेपर जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 साल से एक ही पार्ट में जो है बच्चे अटके हुए हैं और साथ ही साथ बताया गया कि 2 ऑनर्स व 2 सब्सिडरी पेपर की जो परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव। अब इस पे आपका क्या राय और विचार है नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अब जो है आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के तौर पे जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने कल ही आपको रिपोर्ट में बोला था कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो अब आप अपनी जो है राय बताइए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है स्नातक पार्ट वन की परीक्षा के लिए जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे 2019 से 22 सेशन वालों के साथ ही ये सवाल जो है पूछे जाएंगे। अगर स्थिति ठीक रहती है, मतलब परीक्षा अच्छे तरीके से हो जाता है, रिजल्ट्स भी अगर सही आते हैं, तो जैसा कि परीक्षा नियंत्रक का कहना है इसे अगले सत्र वालों के साथ भी लागू किया जाएगा। मतलब जो भी आने वाले सत्र है 2020 से 23 सेशन वाले, 21 से 24 सेशन वाले, उनके साथ ये लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोरोना काल को देखते हुए जो है 2 ऑनर्स पेपर की पेपर जो है ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्सिडरी पेपर की भी जो है प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। साथ ही साथ MIL की अगर हम बात करें तो MIL की परीक्षा भी जो ऑब्जेक्टिव तौर पे ही जो है पूछी जाएगी। हालांकि पिछले साल भी यही डिसाइड हुआ था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे MIL में, तो इस बार भी वही रहेगा। चलिए आपको पैटर्न के ऊपर हम लिए चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि हर सवाल के जो है 2 अंक होंगे, प्रैक्टिकल वाले विषय में जो है 1.5 अंक का जो है एक प्रश्न होगा। स्नातक पार्ट वन की ऑब्जेक्टिव सवाल के आधार पर परीक्षा लेने के साथ ही अंक तय कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 75 सवाल जो है पूछे जाएंगे। बिना प्रैक्टिकल व प्रैक्टिकल वाले विषय की मार्किंग अलग अलग होगी। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 75 में से जो है आपको 50 प्रश्नों के जो है जवाब देने होंगे। कुल 100 अंकों का जो है मार्किंग किया जाएगा। हर सवाल 2-2 अंक के होंगे, जबकि प्रैक्टिकल वाले विषय में जो है 75 सवाल में से जो आपको 50 के जवाब देने होंगे, लेकिन हर एक सवाल के जो है 1.5 अंक आपको दिए जाएंगे। 75 अंकों पर जो है मार्किंग स्कीम की जाएगी। 25 अंक प्रैक्टिकल के लिए जो है रखा जाएगा। स्नातक पार्ट वन में 2 ऑनर्स व 2 सब्सिडी की परीक्षा जो है होगी, वही MIL की परीक्षा पिछले साल अन्य पार्ट के लिए जो है ऑब्जेक्टिव ली गई थी। और परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि बदले हुए पैटर्न के लिए जो है छात्रों को मॉडल प्रश्न पत्र जो है दिया जाएगा, जिसको जो है वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के अपलोड कर दिया जाएगा। और आखिर में आपको देखने को मिल रहा है 3 साल से अधिक पुरानी कॉपियों को जो है हटाया जा रहा है। 3 साल से अधिक पुरानी कॉपी जितनी भी यूनिवर्सिटी में बची हुई उसको बेच दिया जाएगा। उसके लिए जो नीलामी लगाई जाएगी, मतलब बोली लगाई जाएगी और उसे बेच दिया जाएगा और नए कॉपीज जो है यूनिवर्सिटी में आएंगे। चलिए इन सभी बातों को छोड़ते हैं, हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपकी जो परीक्षा की पैटर्न बदली गई है, वो भी आखिरी समय पर, और ये नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि परीक्षा बोर्ड के बैठक में ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको जो है मैं पूरी तरीके से मानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि
ऐसे में अगर आप जो है आखिर समय पे पैटर्न को बदल देते हैं तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जो 1.5 साल से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके बैठे हुए थे इसी आस में कि उनकी सब्जेक्टिव परीक्षा होगी और प्रश्नों के उत्तर जो है वो सब्जेक्टिव तरीके से देंगे, लिखेंगे अच्छी तरीके से। और जो भी बीकॉम की स्टूडेंट है उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर उनका प्रैक्टिकल पेपर था तो उनको ऑब्जेक्टिव में अब जो है अपना जवाब देना पड़ेगा, अब किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि हर विभाग को कह दिया गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र जो है तैयार कर दीजिए, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो अब शुरू से तैयारी करिए, आप लोगों का जो है पैटर्न बदल दिया गया है। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ सकता है कि इसके ऊपर अब आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा बोर्ड का मीटिंग था और इसमें जो है फैसला ले लिया गया है। हालांकि अगर परीक्षा नियंत्रक कहते तो बात नहीं भी मान सकते थे लोग वहाँ के, लेकिन ये परीक्षा बोर्ड का फैसला है तो इस फैसले को जो है हम लोग नकार नहीं सकते हैं। हालांकि अब आपका क्या राय है, विचार है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।